यूपी के चुनावों में ये दोनों नेता कदम ताल मिलाते हुए चुनावी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में शायद कांग्रेस के जहन में यूपी में कदम डगमगाने के सवाल भी खूब चल रहे हैं। इसका पता तो 29 जनवरी को अखिलेश राहुल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चला था, जब राहुल ने मायावती की ये कहते हुए तारीफ की थी कि वो देश हित में सोचती हैं। अब कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि बीएसपी भी अगर गठबंधन का हिस्सा होती तो यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाता। एक रैली में गुलाम नबी ने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी आरएलडी सब लाम बन जाए, जो हो न सका। उन्होंने सब्र नहीं किया सर, हम उनसे बात कर रहे थे जी। हम उनको भी लाना चाहते थे जी। लेकिन वो जल्दी में, राजनीति में जल्दी नहीं होता, राजनीति में सब्र करना होता। रैलियों में राहुल पीएम मोदी को सबसे ज्यादा निशाने पर रखते हैं, वहीं अखिलेश मोदी के साथ मायावती पर भी जमकर निशाने साध रहे हैं। इन सब के बीच मायावती अपनी रैलियों में बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों पर निशाने साधने में जुटी हुई हैं। लेकिन राजनीति में तस्वीर बिगड़ने के साथ बनते भी देर नहीं लगती। कांग्रेस यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए इस बार हर दाव आजमाने को तैयार दिख रही है। नतीजे के बाद विधानसभा के त्रिशंकु होने के हालात में वो बीएसपी में संभावना देख रही होगी, जिसके चलते बीएसपी पर सीधे हमले से वो परहेज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।